अरेल का दुपट्टे में आग लग गया है, देखिए दुपट्टे में आग लग गया है, देखिए दुपट्टे में आग लग गया। चलाइए इसे, चलाया था, चलाइए मुसीब। अरे दिखाएंगे हमारे बिहार कितना तेज हो गया। पहले था कि डिक्की खोलो, अब कुछ नहीं खोलना भाई, मशीन लगाओ, टोक से बताएगा ना, नहीं तो पहले पैर के नीचे इधर उधर किधर भी छुपा दो। पहले अथी करो। बहुत बहुत धन्यवाद। काहे भाग रहे भैया, डर का रहे थे ये? तुम काहे डरेंगे का? नमस्कार, मैं हूं मनोहर सिंह। आज की हमारी यात्रा है बिहटा बिहार के लिए, तो आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये यात्रा वाराणसी से शुरू हुई है और अभी ठकुराइन गई हैं तैतरा वीर बाबा का प्रसाद लेने। जय हो बाबा, आप भी लगा लीजिए, मुझे दिखाइए। जय हो बाबा, आशीर्वाद बना रहे हैं। थोड़ी देर की यात्रा करके हम लोग गाजीपुर पहुंच गए। अभी कुछ बच्चे क्या है, कहाँ हुए? प्रसादी भैया। कौन सी का? सरस्वती माता की पूजा है। सरस्वती पूजा जी? कौन तारीख है? आज है। ला ले ला, बीत गई ला, आज है। ला ले ला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भवानी। पकड़ ला, रुक जाए भाई, ले ले, चलो बोला सरस्वती मैया की जय। पढ़े लिखे ला लो कि ना? पढ़े ला ना, सरस्वती माई बढ़िया से दोनों के बल बुद्धि दे। कौन में पढ़े ला तू? चार में। चार में पढ़ला, तू कौन पढ़ला? पाँच में। पढ़े के ढेर बात, ठीक ना? हाँ। पढ़ला के बहुत ध्यान रखे के बाद। हाँ, एक बात फिर कुछ बाद में है, पहले पढ़ाई एक बाद पुजाई। पुजाई जय जय। तो देखा, ये अपना बचपन वाला गांव याद आता है ना, जब लोग स्कूल में पढ़ते थे। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही माँ कामाख्या का धाम है, ये मुख्य गेट है। यहीं से हम लोगों ने माता रानी को प्रणाम किया है। आप भी दर्शन कर लीजिए मुख्य गेट का। हमारी साथी अलका है और हमारे सारथी हमारे ड्राइवर दिनेश भाई हैं और इधर गंगू भाई हैं। मुझे ड्राइविंग करना बेहद पसंद है, इसलिए मैं ड्राइवर को पीछे बैठा देता हूं, ठकराइन को बगल में, और हम दोनों साथी कुछ देर तक यात्रा का आनंद लेते हैं आगे बैठकर। अब हम लोग हैं कर्मनाशा नदी के पुल पर। यहां बिहार यूपी का बॉर्डर है, पुल पार करते आ जाएंगे बिहार में। अरे दिखाएंगे हमारे बिहार कितना तेज हो गया। पहले था कि डिक्की खोलो, अब कुछ नहीं खोलना भाई, मशीन लगाओ, टोक से बताएगा ना, नहीं तो पहले पैर के नीचे इधर उधर किधर भी छुपा दो। पहले अथी करो। बहुत बहुत धन्यवाद। काहे भाग रहे भैया, डर का रहे थे ये? तुम काहे डरेंगे का? देखिए कहे दिखाई चलाई, 10 करोड़ लोग देखेंगे उनकी मशीन को लेकर चले गए। 1,65,00,000 का मशीन है। अच्छा। हाँ, कई करोड़ लोग देखे। हम भी तो बोले थे, ब्लॉग बना रहे थे। अब जानते हैं फुल ट्रक लोड है उसमें भी। अच्छा, उसमें पता चल जाता है। हाँ, हाँ। बहुत सुंदर। क्या नाम है इस मशीन का भैया? स्कैनर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय। ये भैया छुप गए, पता नहीं क्या इनके मशीन में जाते। तैरना तो उनको चाहिए जो शराब लेके चल रहे गाड़ी में। अब सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे अब डिक्की उक्की चिक नहीं होगा, अब मशीन पक से लगाएगा, टक से बताएगा। क्या बताइए, मर जाएंगे बिहार के लिए? बिहार के लिए जिएंगे और बिहार के लिए मरेंगे। जिस मिट्टी ने मुझे जन्म दिया, धरती है सबकी, लेकिन हम जिस बॉर्डर जिस सीमा पे जन्म लिया, उस पे मुझे नाच है। और मैं बिहार की हूँ और हमेशा बिहार की रहूंगी। अब तो यूपी के हैं। सास है यूपी की, आप है ठाकुर जी, और आपके साथ मैं हूँ। आप तो यूपी के हो गए। यूपी के कैसे हो गए? आप मेरे बिहार के हो गए क्या? हमारी अगर घर 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 किसी का शादी होता बिहार में, तो बिहार की हो जाती। थोड़ा सा हमने चिढ़ा दिया है ठकुराइन को, नाराज हो गई हैं, पूरा गुस्से में इनका चेहरा देखे कितना लाल है और सीरियस से नाराज हैं। सीता कहाँ की है तो सबको पता है कि सीता जनक दुलारी है और वो बिहार की है। सीता को अयोध्या नहीं कहता कि सीता अयोध्या की। आप तो बोल रहे गंगेश की, उन्होंने स्कैनर बोल दिया, ठीक है? नहीं, हमने और जो यूपी के लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं? काल आएगा। काल मतलब क्या? वो काल जो आपके ऊपर मंडराता है, या वो काल जो आने वाला है, टुमारो वाला कॉल आया है ना, कि काल आया है। यम क्या होता है? यन्न क्या होता है? यम है हम, कि एम होता है, एन होता है, यम यन्न औ पी। अरे जनवरी फरवरी मार्च। हाँ, इनका सुनिए, इनका रहता है जनवरी फरवरी मार्च। इसी युद्ध के बीच हम लोग बक्सर पहुंच गए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब बक्सर में हम लोग देसी स्वादिष्ट जो है समोसे का आनंद लेंगे। देखिए कितने लजीज चटनी और दही भी इसमें डाल रहे हैं भाई साहब, क्या बात है।
बक्सर में चाय नाश्ता करने के बाद अब हम लोग पहुंचने वाले हैं कुछ देरी यात्रा के बाद बिहटा। कैसे हैं भैया? नमस्कार। नमस्कार फौजी जी। नमस्ते नमस्ते फौजी भैया, ठीक है सर? तो नाश्ता यहाँ से करके चलते हैं। बिहटा चौक पर ही मिल गए हमें राजेश कुमार सिंह फौजी भैया, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया है। अब चलते हैं होटल। आप बहुत प्यारी लग रही हैं ठाकुर जी, बहुत सुंदर। चेन चेन पति प्रेम, मैं मरूं। तो हम लोग हो गए हैं तैयार, तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग डायरेक्ट मंच पे। चलिए। एकदम निहायत गांव में ये कार्यक्रम है और गांव का खूबसूरत माहौल दूर से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। श्री मनोहर सिंह यादव सिंह पहाड़िया जी, भोजपुरी मल्ला चैनल पे आप लोगों ने क्या द्वार दिया, सम्मान दिया, इस वक्त पे आप करोड़ों लोगों ने आमंत्रित किया है। आप सबके बीच भारत के बिहारी तो सिर्फ द्वारका जी को बज रही है, मनोहर जी के लिए तो बज ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? श्री मनोहर सिंह जी का स्वागत मल्यार्पण और अंगवस्त्र से भैया जी के द्वारा हो रहा है, पूरे कमेटी के द्वारा हो रहा है, आप सभी के द्वारा हो रहा है, पूरे बिहार प्रदेश के। बहुत खुशी की बात है कि मुझे मेला पहनाया जा रहा है। एक चीज तो है, बिहार के लोग अतिथियों का, कलाकारों का बहुत सम्मान करते हैं, ये बहुत गर्व और हर्ष का विषय है। सम्मान हो रहा है, यहाँ अलका का भी सम्मान किया जा रहा है। दीप जला के हमने कार्यक्रम की शुभारंभ और शुरुआत की। पहले इधर के लोग थोड़ा मनोहर भैया के लिए जोरदार की ताली बजाइए, आप लोग हार जाएंगे। हार गई आप लोग, अलका जी आपके पार्टी के लोग हार गए। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये लोग अधिक हो गए। अरे भाई इधर भी खड़े हैं, आप लोग सहयोग करिए लोगों का। एक बार सब लोग मिलकर हम कहा कि नजर ना लग जाए, दोनों का बाका आए हाय आए हाय आए चाची की अकेली अगले 3,000 करेंगे, आए हाय आए कैसे करेंगे। दर्शकों का साथ जब कलाकार को मिलता है तो कार्यक्रम का आनंद 10 गुना बढ़ जाता है। बिहटा अमरुदिया टोला के लोगों ने जिस तरीके से प्यार साथ दिया वो आप देख सकते हैं वीडियो में। मेरे राम आए भक्त हनुमान आए हैं, सिया जी संग मिलाए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। बड़ी दुर्घटना होने से महादेव ने, भोलेनाथ ने हमारी ठाकुरायन को बचा लिया, उनकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे, जय शिव शंभु। इसके बाद भी हमारी ठाकुरायन परफॉर्मेंस लगातार जारी रखी। अलका भी अपनी धमाकेदार प्रस्तुति कर रही हैं, श्रोता इनके भजनों पर खूब एंजॉय कर रहे हैं जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। राजेश भैया के और राम जी के जितना बधाई दी उतना कम बात, इतना शानदार आयोजन खातिर। अपनी ठाकुरायन के साथ मैंने डुएट गाना भी गाया, आप देखिए। दिखाई तो आने वाला है मिश्री मलाई, ना
नहीं खाई गोवा मेवा नहीं मिसरी मारा नहीं खाई गोवा मेवा नहीं मिसरी मारा कहले बागी होते पीस के लिए एक देश के मम्मी एक देश के मम्मी बस पाओ हर भाग लिया अनाथ कैसे होई अनाथ कैसे होई कि अनाथ कैसे हो अनाथ कैसे हो कि जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे हो तो इसी मस्ती के बीच हमारा ब्लॉग यही होता है समाप्त। आइए लेते हैं आयोजक मंडलों से फीडबैक। बहुत अच्छा रहा, बहुत प्यारा कार्यक्रम हुआ, बहुत मजा आया सुन के, बहुत मजा आया, इतना एंजॉय किया कि बहुत मजा आया। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि समय कम पड़ गया। यहाँ के लोग बहुत मतलब मिजाजी लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं और पूरी मस्ती के मूड में है। कार्यक्रम कराना और उसको एंजॉय करना ये बड़ी बात है। इन लोगों ने एंजॉय किया इस बात की हमें बहुत खुशी है और हमको भी बहुत मजा आएगा। आगे 5 घंटा 5.5 घंटा किस तरीके से बीता है हम लोग खुद नहीं पता कैसे बीत गया 5.5 घंटा। वाह गजब, कैसा लागल भैया? बहुत अच्छा, अच्छा लागल ना? कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। आप लोग बता दीजिए आखिर बचे हुए तो बहुत मजा। बिहटा अमरुदिया टोला के लोगों का मैं दिल से आभार धन्यवाद कर रहा हूँ इतना प्यार और इतना साथ देने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी हमारा ये ब्लॉग्स म्यूजिकल ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। लाइक कमेंट और शेयर करके हमारा अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा।